हेलो, कैसे हो आप सब। मैं हूँ नरेंद्र, मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अपने परिवार का ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से मैं एक नया लैपटॉप का अनबॉक्सिंग का वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि लोग मुझे कमेंट करके ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, उनको HP का ही लैपटॉप का ज़्यादा अनबॉक्सिंग का वीडियो देखना था। वो लोग मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कोई HP का नया मॉडल आया है क्या। तो आज दोस्तों मैं एक HP का नया मॉडल का अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। आज आपके सामने उसका पूरा मैं डिटेल बताने वाला हूँ, उसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं और उसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो। दोस्तों, मैं कोई भी लैपटॉप का अनबॉक्सिंग का वीडियो लेके आता हूँ तो उसके साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ आप उसमें क्या क्या यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं, बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं। जो बेसिक लैपटॉप होता है ना, जिसमें सिर्फ आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह यूज कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह यूज़ कर सकते हो, या आप उसमें वर्ड, एक्सेल, टैली वगैरह यूज़ कर सकते हो, उसके लिए लोग मुझे कमेंट करते हैं क्या इसमें मैं कोडिंग कर सकता हूँ, क्या इसमें मैं कोरल, ऑटोकैड वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है कि बहुत से लोगों को पता है, मालूम है, कुछ लोग होते हैं उनके सर्कल में जो उनको सजेस्ट कर देते हैं कि भाई आपका ये यूज़ है तो आप यही लैपटॉप ले लीजिए। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है, उनका यूज़ तो उनको पता है बट उनको क्या लैपटॉप ख़रीदना है, कितने रेंज तक में जाना है, उनको ये नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैं आपको इसके साथ में अनबॉक्सिंग के साथ में ये भी बता देता हूँ आपका इसमें क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। और इसके साथ में मैं ये भी बोल देता हूँ कि अगर आपका कुछ क्वेरीज़ है, आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ ऐसा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे देता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं इसी लैपटॉप का, जो HP का है, i5 11th जनरेशन का लैपटॉप है ये, और इसमें जो है रैम का वेरिएंट की बात करेंगे तो इसमें 8 GB रैम के साथ में आया है ये i5 11th जनरेशन, 8 GB रैम। इसका जो मॉडल नंबर है HP DU3032TU करके है। पहले भी मैं बताया था, अगर लास्ट में आपको TU मिले तो आप समझ जाना इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, TX मिले तो आप समझ जाओ कि इसमें ग्राफिक कार्ड है HP का मॉडल में। तो दोस्तों, इसी पे मैं आज आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ ये मॉडल के लैपटॉप का जो है HP का। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर हाँ दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना। मैं अनबॉक्सिंग रिलेटेड, सॉफ्टवेयर वगैरह रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा बॉक्स जिसका मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। ये HP का लैपटॉप है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी यहाँ पे देखिए टैग भी लगा हुआ है, यानी कि अभी जो HP के लैपटॉप आते हैं उसमें इस तरह से MS ऑफिस रहते हैं प्रीलोडेड, तो उसमें टैग लगा रहता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बता दूँ आपको, ये i5 11th जनरेशन है, इसमें 1 TB हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है, विंडो 10 है, 3 सेल की बैटरी है जो कि 3 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप आती है, 8 GB रैम है, फुल HD डिस्प्ले है, 15.6 इंच का IPS। और दोस्तों, ये सिल्वर कलर में लैपटॉप है जो आपको दिख रहा है। लैपटॉप ज़्यादातर जो HP के प्रीमियम मॉडल आ रहे हैं वो सिल्वर कलर में ही आते हैं, और उसका जो लगभग अंडर 40 के आसपास लैपटॉप आते हैं वो थोड़ा ब्लैक कलर में आते हैं, तो लुक भी काफ़ी अच्छा ये लगता है। और ये वाला जो सीरीज होता है ना सिल्वर कलर का जो HP में आता है, मुझे तो ज़्यादातर लगता है बहुत सक्सेस रहता है और इसमें ज़्यादातर कंप्लेंट भी नहीं आते हैं। और दोस्तों, HP का ज़्यादातर आजकल डिमांड है मार्केट में, और इसका कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट कीबोर्ड है, और इसमें लेकिन बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, इसमें बैकलिट नहीं है, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट है। और ये जो i5 11th जनरेशन है इसमें आयरिस का ग्राफिक कार्ड आ रहा है, i5 11 सारे मॉडल में i5 11th जनरेशन में आयरिस का ग्राफिक कार्ड आ रहा है, जो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड 2 GB MX330 से कंपेयर हो रहा है। और काफ़ी दोस्तों अच्छा है इसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 GB तक सपोर्टेड ग्राफिक कार्ड मिलता है 11th जनरेशन में, अगर आपको इसमें ग्राफिक का कार्ड है तो भी वो आपका ईजिली कर सकते हो। और ये रहा है एडाप्टर, 65 वाट का चार्जर है। और दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोगों को रिक्वायरमेंट रहता है ग्राफिक कार्ड का, छोटा मोटा उनका एडिटिंग वगैरह का काम रहता है, फिर उसके लिए उनको ग्राफिक वाले लैपटॉप लेने पड़ते हैं, फिर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। बट अभी HP इंटेल क्या कर रहा है कि अपने 11th जनरेशन में वो 2 GB सपोर्टेड ग्राफिक कार्ड दे रहा है, बहुत अच्छा है ये। और इसमें आपका एडिटिंग का भी काम होगा, गेमिंग भी आप कर सकते हो। यहाँ पर एक लैन पोर्ट दिया हुआ है टाइप, और यहाँ पर HDMI का एक पोर्ट है, एक टाइप सी का पोर्ट है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे एक ऑडियो जैक दिया हुआ है। तो लेफ्ट साइड में इतने पोर्ट है, और राइट साइड में यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड का बड़ा सा जो पोर्ट आता है वो है, और यहाँ पे 2 USB है और एक पावर का है केबल का ये अडाप्टर है। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है और लुक तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे लैपटॉप का। और जो सिल्वर कलर के सीरीज़ में HP का लैपटॉप आता है, लुक काफ़ी अच्छा लगता है।
और ये रहा बैक साइड का। यहाँ पे इधर से उन्होंने थोड़ा सा जैसा मतलब जाली जैसा बनाते हैं ताकि उसमें से जो छोटे कुछ कूलिंग हो यहाँ से भी निकले, बट इसका जो डिस्प्ले के नीचे बैक साइड में होता है वहाँ से भी कूलिंग आउट होने का सिस्टम बना रहता है। लैपटॉप से मिला के सब एकदम परफेक्ट है। और इसमें अगर यूज़ की बात करेंगे तो i5 11th generation 8GB RAM है। इसमें SSD नहीं है, तो आगे चल के इसमें अगर आपको SSD लगाना है तो आप लगवा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप जो है इसमें यूज़ की बात करें तो इसमें आप आराम से होम ऑफिस यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो गया है। और इसमें आप एडिटिंग का भी अगर आपको जैसे लग रहा है ना तो आप काम कर सकते हो एडिटिंग में। जैसे आपका मीन्स हो गया है आपका कोरल, फोटोशॉप, PDF और इसके बाद में ऑफिस वगैरह से भी अच्छे चलेगा। और इसमें आप जो है 3D Max वगैरह, ऑटो कैड वगैरह भी यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सब चीज़ें इसमें आप कर सकते हो। और प्राइस 50 से 55, 56, 57 तक इसका मार्केट में है। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।